बेस्ट फोन अंडर 15,000। देखो 15,000 के बजट में ना हमने 4G फोन बाय नहीं करना। मैं आपको सारे फोन 5G बताऊंगा, साथ में उनके ऊपर आप गेमिंग कर सकते हो, एमोलेड डिस्प्ले वाले फोन बताऊंगा ताकि आपका डिस्प्ले एक्सपीरियंस एकदम बेस्ट रहे। सभी फोन्स में आपको 5000mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलेगी। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स चेक आउट द बेस्ट फोन अंडर 15,000 rupees। तो सबसे पहला फोन है सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी A14 फोन। देखो ये फोन अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ 2023 में एंड इसका डिजाइन इतना बढ़िया ना कि किसी भी 20 या फिर 25,000 वाले फोन के कंपैरिजन में अगर आप इसे रखते हो ना तो इसका डिजाइन आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। 16,000 रुपए इसका करंट प्राइस चल रहा है। 6.6 inches की फुल HD प्लस PLS LCD डिस्प्ले मिल जाती है। देखो जो PLS LCD डिस्प्ले होती है ना वो IPS डिस्प्ले से काफी ज्यादा ब्राइट होती है एंड हम सभी को पता ही है कि जो सैमसंग के फोन की डिस्प्ले होती है उसकी डिस्प्ले क्वालिटी कितनी ज्यादा बेहतरीन है मार्केट में। 2408x1080 pixels है, 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। 1330 प्रोसेसर दिया गया विच इज अ 5nm बेस्ड प्रोसेसर। अंतुतु स्कोर अराउंड 4,00,000 से भी ज्यादा इसका। 6GB प्लस 128GB स्टोरेज। ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया बैक साइड पे। 50MP का मेन कैमरा, 2MP का डेप्थ एंड 2MP का मैक्रो। ड्रॉप नॉच में मिल जाता हमें 13MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा। देखो लिस्ट के अंदर मैंने जितने भी फोन इस वीडियो के अंदर कवर किए ना उन सब में से सबसे बेस्ट कैमरा इसी फोन का है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपको बेस्ट इन क्लास पिक्चर्स एंड वीडियोस चाहिए ना अपने फोन से गो विद सैमसंग फोन। इसका जो मेन एंड फ्रंट कैमरा दोनों से हम 1080p 30fps रिकॉर्ड कर सकते हैं। 5G के 7 बैंड्स की आपको सपोर्ट मिल जाती है। 5000mAh की बैटरी कैपेसिटी, USB टाइप सी टू सी, 15W की चार्जिंग को स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। 1 UE 5.0 मिलेगा कोर बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 13। इस बजट का अकेला ऐसा फोन है जिसके अंदर आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड मिलेगा। सेकेंडरी माइक्रोफोन नॉइस कैंसिलेशन, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, 2 साल की OS अपडेट एंड 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट। तो आपने इसे जरूर कंसिडर करना, वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है अंडर 15,000 rupees। अगला फोन है मोटोरोला का मोटोरोला G62 5G फोन। देखो आप में से जिसे भी स्टॉक एंड्रॉइड वाली फीलिंग चाहिए ना कि आपके फोन के अंदर कोई भी प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन नहीं है फालतू की और या फिर आपको एकदम ही क्लीन हुए पसंद अपने फोन में, गो विद मोटोरोला G62 फोन। 15,000 rupees इसका करंट प्राइस चल रहा है। 6.5 inches की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले है। 2400x1080 pixels है, 120Hz का रिफ्रेश रेट, 240Hz का TSR है, पांडा ग्लास प्रोटेक्शन, 600 nits की ब्राइटनेस, HDR10+, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर दिया गया। 4,05,000 के करीब इसका अंतुतु स्कोर है। 6GB 128GB स्टोरेज, हाइब्रिड सिम स्लॉट, 50MP का मेन कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड है, 2MP का मैक्रो एंड 16MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा। देखो इसका भी कैमरा काफी बढ़िया, कैमरा के मामले में ये भी फोन आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। मेन कैमरा से हम 1080p 30 and 60fps रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेल्फी कैमरा से 1080p 30fps। 5G के 12 बैंड्स की सपोर्ट मिल जाती है। 5000mAh की बैटरी कैपेसिटी, USB टाइप सी, 20W की चार्जिंग को स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। अडैप्टर आपको फोन के साथ मिल जाएगा, एंड्रॉइड 12 दिया गया आउट ऑफ द बॉक्स। सेकेंडरी माइक्रोफोन नॉइस कैंसिलेशन, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया। 1 साल की OS अपडेट, 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट, IP52 रेटिंग के साथ ही वाइड 1L1 सपोर्ट मिल जाती है। बहुत ही बढ़िया फोन है, आपने इसे भी जरूर कंसीडर करना है। अगला फोन है इन्फिनिक्स का इन्फिनिक्स नोट 12 5G फोन। देखो ये भी फोन अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, बहुत ही बढ़िया फोन है, एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन मैं इसे कह सकता हूँ। बस एक चीज है कि अगर आपको अपने फोन के ऊपर गेमिंग करनी है फिर ये फोन आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। 14,000 rupees इसका करंट प्राइस चल रहा है। 6.7 inches की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है एंड इस बजट के अंदर सिर्फ एक यही फोन है जिसके अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। तो इसका जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस है दैट इज टोटली अनबीटेबल। 2400x1080 pixels है, 700 nits की ब्राइटनेस मिल जाती है, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन, 60Hz का रिफ्रेश रेट है, 180Hz का TSR, MediaTek Dimensity 810 प्रोसेसर दिया गया, 6nm बेस, 6GB 64GB वेरिएंट, डुअल सिम प्लस SD कार्ड, ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया बैक साइड पे, 50MP का मेन कैमरा, 2MP का डेप्थ एंड AI लेंस, वाटर ड्रॉप नॉच में 16MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया गया। कैमरा क्वालिटी इसकी भी काफी बढ़िया है, ऑल्दो इसका जो मेन एंड सेल्फी कैमरा ना उसे हम 1440p एट 30fps रिकॉर्ड कर सकते हैं। 5G के 12 बैंड्स की आपको सपोर्ट मिल जाएगी। 5000mAh की बैटरी कैपेसिटी है, USB टाइप सी, 33W का चार्जर आपको फोन के साथ मिल जाएगा, एंड्रॉइड 12 दिया गया आउट ऑफ द बॉक्स, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, लिक्विड कूलिंग चेंबर, वाइड 1L1 सपोर्ट के साथ। तो ये भी फोन काफी बढ़िया, आपने इसे भी जरूर कंसीडर करना है। अगला फोन है पोको का पोको M4 Pro 5G फोन। ये एक टोटली ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, आप इसके ऊपर गेमिंग भी कर सकते हो बट वो मीडियम एंड लो सेटिंग्स भी होगी। ऐसा कह सकता हूँ कि ओकेजनल गेमिंग करनी है अगर आपने तो ये फोन आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। 14,000 रुपए इसका करंट प्राइस चल रहा है। 6.6 inches की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले मिल जाती है, सेंटर बंचोल वाली, 2400x1080 pixels है, 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, 240Hz का TSR है, 450 nits की पीक ब्राइटनेस, DCI-P3 कलर गैमेट, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन, डायमेंसिटी 810 प्रोसेसर दिया गया, 3,60,000 के करीब इसका अंतुतु स्कोर है, 6GB 128GB स्टोरेज, हाइब्रिड सिम स्लॉट, बैक साइड पे मिल जाएगा डुअल कैमरा सेटअप, 50MP का मेन कैमरा, 8MP का अल्ट्रा वाइड है, सेंटर पंचोल में 16MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा। अब इसका जो मेन एंड सेल्फी कैमरा ना दोनों से हम 1080p 30fps तो रिकॉर्ड कर सकते हैं बट 60fps ओनली मेन कैमरा से होगी। 5G के 7 बैंड्स की सपोर्ट मिल जाती है, 5000mAh की बैटरी कैपेसिटी, USB टाइप सी, 33W की चार्जिंग को स्मार्टफोन सपोर्ट करता है, अडैप्टर आपको फोन के साथ ही मिल जाता है, एंड्रॉइड 11 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, सेकेंडरी माइक दिया गया, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। तो पोको का इस बजट का ये फोन सबसे बेस्ट फोन है, आपने इसे भी जरूर कंसीडर करना है।
एंड नाउ आईक्यू Z6 लाइट 5G फोन। देखो बहुत ही पॉपुलर सीरीज का स्मार्टफोन है ये, परफॉर्मेंस के सिनेरियो में दी बेस्ट स्मार्टफोन है इस बजट का। सो अगर आपने गेमिंग करनी है तो इस फोन के ऊपर आपकी गेमिंग इजीली हो जाएगी। 15,000 रुपए इसका करंट प्राइस चल रहा है। 6.58 इंचेस की फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले है। 2408x1080 पिक्सल्स है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज का डीएसआर, पांडा ग्लास प्रोटेक्शन, 2.5D फ्लैट फ्रेम डिजाइन है इसका विद एंटी ग्लास फिनिश। स्नैपड्रैगन 4Gen 1 प्रोसेसर दिया गया, 6 NM बेस, 3,90,000 के करीब इसका अंततः स्कोर है। 6GB 128GB स्टोरेज, हाइब्रिड सिम स्लॉट, बैक साइड भी दिया गया डुअल कैमरा सेटअप, 50 MP का मेन कैमरा, 2 MP का मैक्रो एंड ड्रॉप नॉट स्टाइल में मिल जाएगा 8 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा। अब इसका जो मेन एंड फ्रंट कैमरा है ना, दोनों सेम फुल एचडी 30 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं। 5G के दो बैंड्स की सपोर्ट मिल जाती है। 5000mAh की बैटरी कैपेसिटी है। USB टाइप A to C 18W की चार्जिंग को स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। बट एक चीज है कि अडैप्टर हमें फोन के साथ ही मिलता है, वी हैव टू बाय इट सेपरेटली। एंड्रॉइड 12 दिया गया आउट ऑफ द बॉक्स। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। 2 साल की एंड्रॉइड अपडेट एंड 3 साल की सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल जाएगी आपको फोन में, तो इसे भी आपने जरूर कंसिडर करना है। सिंपल चीज है कि अगर आपको अपने फोन के ऊपर ना गेमिंग करनी है या फिर आपने अपने फोन के ऊपर हैवी काम करने हैं, तो ये फोन आपके लिए इस बजट के अंदर एकदम ही परफेक्ट ऑप्शन है। इसका जो बेस्ट बाय लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो या दीज आर दी बेस्ट 5G फोन्स अंडर 15,000 रुपीज इन 2023। आप इन पांचों में से किसी भी फोन को बाय कर सकते हो। ये पांचों के पांचों स्मार्टफोन्स एकदम दी बेस्ट ऑप्शंस हैं। एंड इन केस अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी हो तो प्लीज यार इसे लाइक एंड शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस आउट।